नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीरुद्दीन अहमद। आज मैं आपको हेयर फॉल के बारे में बताता हूं कि हेयर फॉल कैसे होता है, किस वजह से होता है और इसका क्या उपचार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हेयर फॉल का कारण, जब कोई व्यक्ति बाहर का जंक फूड वगैरह सेवन करे और नशीली पदार्थ का सेवन करता है तो उसे हेयर फॉल का शिकायत होने लगता है। और भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई स्त्री या लड़की को लेडीज़ शिकायत है, जैसे लिकोरिया का शिकायत, मेंसुलेशन का शिकायत, धात वगैरह गिरना, तो उसमें भी बाल गिरने लगते हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ, ये हेयर फॉल का शिकायत हो चुका है। अब आप इसे कैसे बचेंगे, क्या करना होगा? सबसे पहले आपको बाहर के जंक फूड वगैरह पर रोक लगाना होगा, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना होगा, पानी अत्यधिक मात्रा में पीना होगा, तो आप बाल झड़ने से बच जाएंगे और आपका बाल भी नहीं पकेगा, जिससे आप सुंदर दिखेंगे। और मैं आपको बताता चलूं हेयर फॉल में सबसे बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथ में क्या होना चाहिए, कौन सी दवा सेवन करने से होम्योपैथ में बाल नहीं झड़ते हैं, बाल के ग्रोथ मजबूत होते हैं, बाल पकते भी नहीं हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। नक्स भूमिका 200, इसे आप 5 बूंद, इसे आप 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम में सेवन करें। दूसरी दवा सिंचोना 200, इसे आप 5 बूंद दोपहर और रात में सेवन करें। अत्यधिक मात्रा में अगर बाल झड़ते हैं और बाल पकने की शिकायत हो रही है या हेयर फॉल वगैरह की शिकायत होती है, तो आप SBL का 1 नंबर ड्रॉप यूज़ करें, 5 बूंद आधे कप पानी में 3 बार सेवन करें। इसे आप यूज़ करेंगे तो आपका बाल झड़ना रुक जाएगा, बाल पकना भी बंद हो जाएगा, जिससे आप अत्यधिक सुंदर लगेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा अगर डैंड्रफ होता है तो आर्निका माउंटेना शैम्पू को आप नहाने के दौरान यूज़ कर सकते हैं, और आर्निका माउंटेना का तेल भी दिन में तथा रात में आप उसे यूज़ करें, जिससे आपका बाल गिरना बंद हो जाएगा और आप सुंदर दिखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।